नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग अभी न्यूज़पेपरों में और सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे कि न्यायिक अवमानना अभी शब्द बहुत चर्चा में है, क्योंकि आपने अभी देखा है जो आपके प्रशांत भूषण साहब हैं, इनके विरुद्ध न्यायिक अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ की गई है, तो उसी से संबंधित आर्टिकल लिखा गया है। तो हम लोग इसमें बात करेंगे कि न्यायिक अवमानना से तात्पर्य क्या है, न्यायिक अवमानना के प्रकार देखेंगे कितने टाइप के होते हैं, न्यायिक अवमानना अधिनियम जो 1971 है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, न्यायिक अवमानना संशोधन विधेयक अधिनियम जो 2006 है उसे भी देखेंगे, न्यायिक अवमानना अधिनियम का उद्देश्य आखिर क्या है, इसे लाने का उद्देश्य क्या है उसे देखेंगे, न्यायिक अवमानना अधिनियम का संवैधानिक स्रोत क्या है और न्यायिक अवमानना के लिए दंड का प्रावधान क्या है, न्यायिक अवमानना से संबंधित चिंताएं क्या हैं यानी कि समस्याएं क्या क्या हैं और न्यायिक अवमानना के उदाहरण कौन कौन से हैं और विधि आयोग का विचार क्या है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसमें एक सुझाव क्या हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। इस आर्टिकल में आपको भी अपना सुझाव जरूर देना है अगर आपको अच्छा लगे तो। सबसे पहले बताता हूं कि आखिर ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के विरुद्ध न्यायिक अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ की है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ कर रही है। पीठ में न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायाधीश कृष्णा मुरारी भी शामिल हैं आपके। इस घटना से पूर्व वर्ष 2006 में 2009 में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की आपराधिक अवमानना का केस दर्ज हुआ था। दरअसल यह मामला वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के द्वारा किए गए ट्वीट से संबंधित है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया के साइट्स पर ट्विटर पर पोस्ट किए गए कथित अवमाननाकारक ट्वीट में सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना की है। प्रशांत भूषण लगातार न्यायपालिका से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं। कुछ समय पूर्व उन्होंने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान दूसरे राज्यों से पलायन कर रहे कामगारों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के रवैये की तीखी आलोचना की थी। प्रशांत भूषण ने भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी बनाए गए वरवरा राव और सुधा भारद्वाज जैसे जेल में बंद नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में भी बयान दिए थे। अब यहाँ आप लोगों से हम पहले बता देता हूं कि जो प्रशांत भूषण साहब हैं इन्होंने कहा क्या था। एक तो आप लोगों ने शब्द देख लिया कि कोविड-19 के महामारी के टाइम आपने देखा है किस तरह से गरीबों की स्थिति हुई, भयानक स्थिति से गुजरे, किस तरह से आपने देखा है कि अपनी जान गंवानी पड़ी, कई महिलाओं की स्थिति आपने देखी है कितनी बद से बदतर हो गई देश में। मतलब आप समझ सकते हैं कि 1947 से बुरी स्थिति हमें देखने को मिली है कोरोना महामारी के दौरान, किस तरह बच्चे भूखे प्यास से चल रहे हैं, कई लोग उस चलते चलते मारे जा रहे हैं। आप मतलब जितनी बुरी स्थिति हमारे देश की, शायद मुझे नहीं लगता है कि इससे बुरी स्थिति कभी देखने को मिली हुई है। तो इसका भी उन्होंने मुद्दा उठाया हुआ था। तो एक तो सबसे बड़ा ये हो गया उनका, ठीक है। दूसरी आपने अभी देखा होगा कि उन्होंने कहा है कि 6 साल में देश में जो 4 प्रधान न्यायाधीश हुए इन्होंने लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया। दूसरा भाग किनका, प्रशांत जो भूषण साहब है अधिवक्ता इनका है। तीसरा आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीने की बात है कि जो आपके SS बोबड़े साहब हैं मुख्य न्यायाधीश हैं आपके जो प्रधान न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें वो हार्ले डेविडसन की बाइक पर बैठकर नजर आए थे, उसमें आपने देखा होगा कि बाइक में हेलमेट बिना हेलमेट के थे वो और मास्क नहीं लगाए हुए थे, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई। आपसे मैं पूछता हूं, क्या अगर हमारे देश का कोई पावरफुल व्यक्ति, फिर चाहे आपका मुख्य न्यायाधीश हो, फिर चाहे आपका प्रधानमंत्री हो, CM हो या फिर राष्ट्रपति है, अगर वो किसी की भी हत्या करता है तो क्या उस पर वही चार्ज यानी कि वही सजा उसे मिलनी चाहिए जो एक आम आदमी को, गरीब आदमी को मिलती है, या फिर भेदभाव होना चाहिए? आपसे ही पूछ रहा हूं, अगर हम कोई भी प्रधानमंत्री है तो वो नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे क्या कानूनों से छूट दे दी जानी चाहिए, या फिर उसे भी उसी कानूनों के तहत सजा मिलनी चाहिए जो आम व्यक्ति को दी जाती है? तो इस पर आपको विचार करना है कि इनके जो भी इन्होंने मुद्दा उठाए हुए हैं अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने,
ये सही थे या गलत थे, क्या गरीबों के बारे में जो पलायन की स्थिति बनी हुई थी उस पर बोलना, उनका पक्ष लेना क्या गलत था? अगर जो आपके मुख्य न्यायाधीश साहब हैं, अगर इन्हें बाइक चलाई उस पर हेलमेट नहीं लगाए हुए थे और मास्क नहीं पहने हुए थे, तो क्या इस पर बोलना गलत बात है? अब आप सोचिए कि अगर प्रधानमंत्री हमारे नियमों का उल्लंघन करने लगे तो जनता में क्या संदेश जाएगा? आप ही समझ सकते हैं ना कि जनता क्या सोचेगी कि ये सब ऐसा ही है। आप कहते हैं ना कि अगर घर में बच्चों को जो संस्कार आप दोगे वही वो आगे लेकर बढ़ेंगे। अब आप सुबह से उन्हें गाली सिखाने लगी है तो वो गाली ही देंगे। तो आपको विचार करना है कि उन सही है अधिवक्ता प्रशांत भूषण का या उन्होंने गलत किया है। ठीक है, नीचे बताइए आप लोग। न्याय का अवमानना से तात्पर्य क्या है आपका? न्याय का अवमानना का अधिनियम 1971 के अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा और उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है। न्याय का आदेशों की अवहेलना करना, उनका पालन ना सुनिश्चित करना इत्यादि न्याय का अवमानना के दायरे में आता है। और आपसे एक सवाल और पूछता हूं मैं, क्या उन्होंने जो ये मुद्दे उठाए हुए हैं दो तीन, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं? आपको बताना है। ठीक, मेरा क्या नजरिया है अलग बात है, लेकिन आप क्या सोचते हैं वो आपको बताना है। न्याय का अवमाननों की अगर हम लोग अवमानना के प्रकारों की बात करें तो न्याय का अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2A के तहत अवमानना को सिविल और आपराधिक अवमानना में बांटा गया है। सिविल अवमानना की अगर हम बात करें तो सिविल न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा बी 2B के अंतर्गत न्यायालय किसी निर्णय डिक्की या फिर आदेश रेट या अन्य किसी प्रक्रिया की जान बूझ कर की गई अवज्ञा या उल्लंघन करना न्यायालय की सिविल अवमानना कहलाता है। दूसरा है आपका आपराधिक अवमानना। न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा जो 2C है इसके अंतर्गत न्यायालय की आपराधिक अवमानना का अर्थ है कि न्यायालय से जुड़ी किसी ऐसी बात के प्रकाशन से जो लिखित मौखिक या फिर चिन्हित या फिर चित्रित या किसी अन्य तरीके से न्यायालय की अवमानना करती हूं। अब बात करते हैं न्यायिक अवमानना अधिनियम जो 1971 है, इसे भी देख लेते हैं। यह अधिनियम न्यायालयों को किसी निर्णय डिक्री आदेश रेट आदि की अवहेलना करने पर दंड देने की शक्ति को परिभाषित करता है। इस अधिनियम न्यायालयों को किसी भी निर्णय रेट निर्देश या फिर आदेश की अवमानना करने या जानबूझकर अयोग्य करने पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करता है। अधिनियम के तहत न्यायाधीशों पर भी न्यायिक अवमानना का केस दर्ज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना पर न्यायाधीश CN कर्णन को 6 माह का कारावास का दंड मिला था, ये पहले भी हो चुका है। फिर आपने देखा है कि न्यायिक अवमानना संशोधन अधिनियम 2006, इसमें क्या कहा गया है कि न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 13 के तहत सत्य वस्तु विश्वास जैसे प्रावधानों को शामिल करने के लिए न्यायिक अवमानना संशोधन अधिनियम 2006 को लाया गया था। न्यायिक अवमानना की कार्यवाही के दौरान सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए सत्य व सुविश्वास के आधार पर व्यक्ति अपने बचाव के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत कर सकता है। अगर हम लोग न्यायिक अवमानना अधिनियम के उद्देश्यों की बात करें कि आखिर इन्हें बनाए क्यों गया, तो न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 का उद्देश्य न्यायालय की गरिमा और महत्व को बनाए रखें, यानी कि कोई भी इसकी गरिमा को ठेस न पहुंचाए, उसे रोकने के लिए इसका निर्माण किया गया। अवमानना से जुड़ी शक्तियां न्यायाधीशों को भय पक्षपात और की भावना के बिना कर्तव्यों का निर्वाह करने में भी सहायक करता है। न्यायिक अवमानना की यह शक्ति विधि के समक्ष समता को लागू करता है तथा न्यायालय के आदेशों का बलपूर्वक अनुपालन करवाने हेतु समृद्ध और शक्तिशाली व्यक्तियों के विरुद्ध एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। न्यायिक अवमानना की शक्ति न्यायपालिका की विश्वसनीय और दक्षता को बनाए रखने में सहायक होती है, यानी कि आपका भरोसा बनाए रखें इसमें भी ये सहायक होती है। अब बात करते हैं न्यायिक अवमानना अधिनियम का संवैधानिक स्रोत क्या है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक अवमानना की शक्तियां भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों जिसमें आपका अनुच्छेद 129, 142 और 215 से प्राप्त होती है। अनुच्छेद 129 की अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उस
को अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी होगी उच्चतम न्यायालय को। अनुच्छेद 142(2) या अनुच्छेद अवमानना के आरोप में किसी भी व्यक्ति की जांच अथवा उसे दंडित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को सक्षम बनाता है। जो अनुच्छेद 215 है इसमें प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया गया है। उच्च न्यायालयों को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने में सक्षम बनाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी शक्ति है और हाई कोर्ट के पास भी शक्ति है इसके लिए, ठीक है, याद रखना। न्यायिक अवमानना के लिए दंड का अगर प्रावधान की बात करें कि इसमें आखिर दंड का प्रावधान क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। यह दंड 6 महीने का साधारण कारावास या फिर 2,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं। वर्ष 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया कि उसके पास न केवल खुद की बल्कि पूरे देश में उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों की अवमानना के मामलों में भी दंडित करने का शक्ति है। किसे? सुप्रीम कोर्ट को। उच्च न्यायालयों को न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने का विशेष अधिकार भी आपके सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। न्यायिक अवमानना से संबंधित अगर हम लोग चिंताओं की बात करें, जो आपके अधीनस्थ न्यायालय है, देखिए सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है, उसके बाद हाई कोर्ट, जो आप देखते हैं हाई कोर्ट हर राज्य में रहता है, तो उन्हें भी है, और उसके नीचे जो और न्यायालय होते हैं, अधीन न्यायालय देखते हैं आप लोग, जिला न्यायालय देखते हैं इस तरह की, तो ये आपका जो उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट है, इसके पास इससे शक्तियां दी गई हैं नीचे के जो भी अवमानना होगा उसे उसके दंडित करने के लिए। न्यायिक अवमानना से संबंधित अगर हम लोग चिंताओं की बात करें, तो संविधान का अनुच्छेद 19 भारत के प्रत्येक नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता आपको प्रदान करता है। परंतु न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 द्वारा न्यायालय की कार्यप्रणाली के खिलाफ बात करने का अंकुश लगा दिया जाता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 19 के तहत आपको बोलने की आजादी दी गई है, और दूसरी तरह आप देखेंगे कि न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 के द्वारा इस पर अंकुश लगाने की बात की जा रही है, तो ये विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। कानून बहुत व्यक्तिपरक है, अतः अवमानना के दंड का उपयोग न्यायालय द्वारा अपनी आलोचना करने वाले व्यक्ति की आवाज को दबाने के लिए भी किया जा सकता है। अब आप वही है कि बदला आपने कुछ बोला किसी सरकार के खिलाफ और उसके पास ऐसा कानून हो, उसके पास ऐसी शक्ति हो कि आपको दंडित करने लगे, तो फिर तो आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे ना, इस पर भी समस्या बनी हुई है। अवमानना अधिनियम न्यायालय पालिका के लिए हितों के टकराव की स्थिति को उत्पन्न करता है, क्योंकि न्यायाधीश स्वयं ही पीड़ित होते और वे स्वयं ही न्यायालयों की भूमिका का भी निभा भूमिका में भी रहते हैं। अवमानना अधिनियम लोकतांत्रिक लोकाचार के विरुद्ध है, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में रचनात्मक आलोचना की अति महत्व होता है, जबकि यह कानून न्यायपालिका की आलोचना करने पर प्रतिबंध लगाता है। वही हाल है, आप समझ सकते हैं कि आपको अगर लोकतंत्र, या तो आप सोचिए कि लोकतंत्र नहीं फिर राजतंत्र बेहतर है, जब हमें बोलने का विरोध करने का भी प्रदर्शन ना हो, हक ना हो कि अगर हमारे देश में कुछ गलत हो रहा है हमें बोलने की आज़ादी ना दी जाए, तो फिर एक तरह से आप लोकतंत्र पर भी प्रसन्न चिन्ह खड़ा होने लगता है, ठीक, समझ रहे हैं आप लोग। न्यायिक अवमानना अधिनियम में व्यक्ति की रक्षा पायों के संबंध में प्रावधान का अभाव है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की विरोध है। भारत में न्यायिक अवमानना अधिनियम वर्तमान में भी पिछलन में, जबकि ब्रिटेन में इसे काफी पहले ही समाप्त कर दिया गया है। जिस देश से हम लोग मिलते जुलते इसका प्रावधान लिया गया है वहां भी इसे खत्म कर दिया गया है, लेकिन हम लोग आज भी इसे का यूज कर रहे हैं। न्याय का उदाहरणा अवमानना के उदाहरणों की अगर बात करें हम लोग, तो हीरालाल दीक्षे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1954 की बात है। न्याय के प्रशासन में वास्तविक बाधा या फिर रुकावट का एक आवश्यक शर्त नहीं है। ऐसा कोई भी कार्य जो अपमानजनक हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचती है, न्याय का अवमानना हो सकती है। के दफ्तरी बनाम ओपी गुप्ता बाद 1971 में, कोई भी कार्य जो आम जनता के मन में न्यायपालिका के विश्वास को कम करता है या फिर न्याय के प्रशासन में बाधा उत्पन्न कर रहा है या फिर सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 142 एक साथ पढ़ा जाएगा और इसे न्याय का अवमानना का किट
माना जाएगा। ध्यातव्य है कि वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसे न्यायिक अवमानना का आधार नहीं माना गया था, क्योंकि न्यायाधीशों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 1A द्वारा प्रदत्त वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए किया गया था। एक तो क्लियर आप एक तरह से कह नहीं सकते हैं कि किस तरह से इसकी परिभाषा दी गई है। आप सोचिए, अगर उस समय भी अगर वो चाहे थे, सुप्रीम कोर्ट चाहता, और कुछ लोग अगर चाहते तो उसे भी अवमानना के तहत उन्हें भी दंडित कर सकते थे, समझ रहे हैं आप लोग। फिर आपका विधि आयोग की अगर विचार की हम लोग बात करें, तो विधि आयोग की 274वीं रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि न्यायिक अवमानना अधिनियम में किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसके निम्नलिखित कारण है, कौन कौन सी? अवमानना के अत्यधिक मामले, आयोग ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में सिविल यानी कि आपके 96,993 और आपराधिक अवमानना के केसों की बात करें तो 583 के बहुत से मामले लंबित पड़े हुए हैं, अभी लंबित हैं। इतनी बड़ी संख्या में ऐसे मामलों की मौजूदगी से साबित होता है कि कानून की प्रासंगिकता बनी हुई है। अवमानना से जुड़ी शक्तियों का स्रोत, आयोग ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अवमानना से जुड़ी शक्तियों का संविधान शक्तियां संविधान से मिली हुई हैं। अधिनियम सिर्फ अवमानना की जांच और दंड के संबंध में न्याय प्रक्रिया को रेखांकित करता है, इसलिए अधिनियम के संशोधन या उसे समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नकारात्मक प्रभाव, सर्वोच्च न्यायालय संविधान सर्वोच्च न्यायालय को उनकी अवमानना करने पर दंड देने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम उच्च न्यायालयों को इस बात की अनुमति भी देता है कि वे अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना करने पर किसी को दंड दे सकते हैं। आयोग का मत है, यानी कि आयोग का कहना है कि यदि अवमानना की परिभाषा को सीमित किया जाए तो अधीनस्थ न्यायालय प्रभावित होंगे, चूंकि उनके पास अपनी अवमानना के मामलों से निपटने का कोई उपाय भी नहीं है। अस्पष्टता, आयोग का विचार है कि वह अवमानना की परिभाषा में संशोधन करने से अस्पष्टता आएगी। इसका परिणाम यह होगा कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अंतर्गत प्राप्त अवमानना संबंधी शक्तियों का प्रयोग करते रहेंगे। अगर अधिनियम में आपराधिक अवमानना की कोई परिभाषा नहीं रहेगी तो सर्वोच्च न्यायालय अवमानना की अनेक परिभाषाएं और स्पष्टीकरण दे सकता है। आयोग ने सुझाव दिया कि स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए परिभाषा को बरकरार रखा जाए। पर्याप्त रक्षोपाय, आयोग ने जो कहा है कि अधिनियम का दुरुपयोग रोकने के लिए अनेक रक्षोपाय किए गए। उदाहरण के लिए, अधिनियम के कई प्रावधानों में ऐसे मामले पेश किए गए हैं जिन्हें अवमानना नहीं माना जाएगा। किसी मामले का सार्वजनिक हित में प्रकाशन, न्यायिक हितों की निष्पक्ष उचित आलोचना तथा न्यायालय की प्रशासनिक पक्ष पर टिप्पणी करना ही अवमानना के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये आपके विधि आयोग की जो रिपोर्ट थी 274, उसकी सिफारिशें थी। आगे की राय इसमें क्या हो सकती है? अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिक माना जाना चाहिए, न्यायालय की अवमानना की शक्ति को इसके अधीन रखना चाहिए। न्यायपालिका को दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों अर्थात वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्याय निर्णय को संतुलित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। विधायिका के लिए आवश्यक है कि वह अवमानना कानून में संशोधन के लिए कदम उठाए और अवमानना अधिनियम और उसकी प्रयोज्यताओं की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित भी करे। ये पूरी प्रक्रिया है आपकी न्यायिक अवमानना की। आपने देखा है कि आपको प्रशांत भूषण साहब की केस के बारे में देख लीजिए, या फिर और भी समस्याओं में हम लोगों ने देखी हुई है, विधि आयोग की रिपोर्ट भी देखी है। तो आप लोग एक लोकतंत्र देश में रह रहे हैं, इसके हिसाब से सोचिए और आप भी नीचे अपनी राय जरूर दीजिए, ठीक है? इसमें